तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम मिनी कैनवस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं एक्रेलिक फ्लूइड पेंटिंग से, जिसके लिए मैंने कलर्स बना के रख लिए हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करके उनकी कंसिस्टेंसी को और अच्छा बना लिया ताकि वो फ्लो कर सकें। और अब मैं उन कलर्स को कैनवस के ऊपर ब्रश की हेल्प से स्प्रेड कर रही हूँ और थोड़ा बहुत रोटेट करके कैनवस को, और उससे मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे ये कलर जो है आपस में इतने अच्छे से मर्ज हो रहे हैं। और अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है अच्छे से तो आप ब्लोर कर सकते हैं कलर्स को। अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल ब्लोर है तो अच्छी बात है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने यहाँ पे सिंपली माउथ से ब्लोइंग करके इसको अच्छा सा ब्यूटीफुल सा इफेक्ट दिया है, तो आप भी ये कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेक्निक है। ये देखिए कितना ब्यूटीफुली दोनों कलर्स आसानी से मर्ज हो रहे हैं। और बाकी आगे मैंने ब्लू वाला कलर भी इसी तरह से किया था, तो उसका कुछ पार्ट कहीं कहीं पे गीला कलर ज़्यादा रह गया था, तो मैंने उसको ब्रश से इस तरह से स्प्रेड किया है, जो कि काफ़ी अच्छा ब्यूटीफुल इफेक्ट दे रहा है और मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छा लगा। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कलर की कि इसमें फ्लो बहुत अच्छा होता है, कंसिस्टेंसी अच्छी होती है कलर की, तो जब हम दो कलर्स को आपस में मर्ज करते हैं तो ये बहुत ब्यूटीफुली मर्ज हो जाते हैं। तो मैंने इसको देखिए ब्रश से कितने अच्छे से पूरा कैनवस के ऊपर दबा दबा के इसको यूज़ किया है ब्रश को, पर कहीं भी कोई स्ट्रोक नहीं आया है और कलर्स बहुत आसानी से मर्ज हो गए हैं। तो ये टेक्निक मुझे बहुत अच्छी लगी इस फ्लूइड पेंटिंग में। देख रहे हैं आप कलर कितने अच्छे से कैनवस को रोटेट करने पे आपस में मर्ज हो जा रहे हैं, तो मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और जहाँ जहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा होता है कलर, हम उसको ग्लो करके पेंटिंग के ऊपर ब्यूटीफुल सा इफेक्ट दे सकते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट को करने में मुझे एक ख़ास बात ये भी लगी कि कलर्स का वेस्टेज नहीं हुआ। मुझे लगा था शायद फ्लूइड पेंटिंग में बहुत सारा कलर लगता होगा और उसमें काफ़ी ज़्यादा कलर वेस्ट भी होता होगा, बट अगर हम इसी को थोड़ा बड़े लेवल पे अगर बड़े कैनवस पे ट्राई करें तो शायद ऐसा हो, बट मुझे ये छोटे कैनवस पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा। मैंने थोड़ा सा ही कलर स्टार्टिंग में घोल के रखा हुआ था और वो पूरा ही कलर इसमें पेंटिंग में बहुत अच्छे से यूज़ हो गया और मुझे अलग से दोबारा कलर बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। और मेरी एक ही बॉटल में मुझे लगता है कि मैं आराम से ऐसे छोटे छोटे 8-10 कैनवस और रेडी कर सकती हूँ, तो मुझे ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी लगा। तो अब मैं शिवलिंग बना रही हूँ बीच में पेंटिंग के, और ये पूरा पेंटिंग बनने के बाद में वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो अगर आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छा लगे तो मैं चाहूँगी आप लोग भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें घर पे, और अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो छोटे कैनवस पे शुरू करें, पर ज़रूर करके देखें, आपको वाकई में सेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप इसी तरीके से करेंगे जैसे मैंने करके दिखाया है तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और फिर मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपेरिमेंट कैसा गया। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप लोगों से ऐसे वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट्स मिस ना हो। मैं इसी तरह के वीडियोज़ और लेकर आती रहूँगी एक्सपेरिमेंटिंग वाले, आप लोगों को टिप्स शेयर करने वाले। और अभी मुझे कमेंट में बताकर जाइए कि आपको ये पेंटिंग और ये एक्सपेरिमेंट कैसा लगा।